तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि कल हमने वीडियो पे बात किया था, BAMS AM 3 वर्षीय कोर्स अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जो ये कोर्स है 2011-12 में सरकार के द्वारा लाया गया था और बच्चों ने इस कोर्स को किया, और उसके बाद इसका कोई एफिलिएशन नहीं था, ना ही कोई जॉब था। उसके बाद सभी बच्चों ने कोर्ट पे केस किया और केस जीत गए। फिर इसके लिए सरकार ने CSC PSC पे उनको एज अ RMA रखा हॉस्पिटल में, और आराम से एक अच्छे खासा सैलरी दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपन क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड है जो MBBS AM है, जो हमारे मेन सिटी जहाँ पे हमारा ये घर है वहां से है, और आपको बिलीव नहीं होगा, वो अपने क्लिनिक से पर मंथ 60 से 70 उससे भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए मंथली वो इनकम कर रहे हैं। उनका खुद का प्राइवेट क्लिनिक है और प्लस साथ में उन्होंने MBBS AM किया है, और साथ में उनका जॉब भी है, RMA के पोस्ट में है वो, और जहाँ पे वो पोस्टेड हैं वो गांव का एरिया है, और वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स 50-60 पेशेंट्स, कभी 40 पेशेंट, कभी 100 पेशेंट्स उनके पास आते रहते हैं, और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छे से सीखा है। तो बार बार इसीलिए अपन आपसे ये बोलते रहते हैं कि कोर्स, कभी कभी आदमी कोर्स कर लेता है बट कोर्स करके भी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक, जिस कोर्स का आज मान्यता नहीं है, सोचो उस कोर्स को करने के बाद 1 लाख रुपए का पैकेज 1 महीने में कमा लेना बहुत बड़ी बात मानते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारे BAMS और BDS के डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप सभी को दिल से थैंक यू।